देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। चुनाव से पहले एक चुनौती हो चुकी है। जी हां, चुनौती हर गठबंधन में हो गई है और अब राजद से लेके जेडीयू और बीजेपी तक में कहीं ना कहीं अब अनबन की जो स्थितियां हैं वो शुरू हो गई हैं। बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में हम पार्टी ने 2 सीटों की मांग की है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि 2 सीटों के लिए एनडीए में बातचीत हो रही है। सीतामढ़ी और गया के 2 सीटों की हमने मांग की है और डीटीवी भारत के संवाददाता निषेध ठाकुर ने हम प्रवक्ता से इन पूरी स्थितियों पर चर्चा की है, बातचीत की है। जरा इस खास बातचीत को देखिए। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं। महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, दोनों में ही अभी सीटों को लेकर के खींचातानी चल रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान जी। दानिश जी, आप लोगों ने 2 सीटों की मांग की है एमएलसी चुनाव में। देखिए, 2 सीट जो हमने डिमांड करी है वो सीतामढ़ी और गया की सीट है। इन दोनों सीटों पर हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ से मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति के सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए हैं और ये जो चुनाव है इन चुनाव में वही लोग वोटिंग करेंगे। इसलिए इन दोनों सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमने डिमांड करी है कि दोनों सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दिया जाए जिससे एनडीए की जीत सुनिश्चित हो पाए। किसी से बातचीत भी आपकी हुई है? हमने अपनी बातों को हमारे दल की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी को अवगत करा दिया है। वो इस मामले को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बातचीत करेंगे और ये हम निश्चिंत हैं कि जो सीट है ये हमें मिल जाएंगी, ये उम्मीद है, पूरी तरीके से उम्मीद है। अच्छा, महागठबंधन में भी कुछ सीटों का क्लियर नहीं हो रहा, राजद महागठबंधन है नहीं अब बिहार में। महागठबंधन कहाँ है? राष्ट्रीय जनता दल ने 2400 सीट पर कैंडिडेट उतारने की घोषणा कर दी तो फिर महागठबंधन कहाँ बचा? देखिए, महागठबंधन कोई दल नहीं है। महागठबंधन 4 आदमी का वैसा टोला है जहाँ लालू जी का परिवार जो कहता है वही होला है। तो ये महागठबंधन बिहार में कुछ नहीं रहा। कांग्रेस अलग लड़ती है, लेफ्ट पार्टीज, गठबंधन बचा कहाँ है कि महागठबंधन में विवाद होगा? ये कहिए कि लालू परिवार में और कांग्रेस पार्टी में विवाद चल रहा है। एनडीए में सब कुछ ठीक है? एनडीए में सब ऑल इज वेल है, कहीं कोई शिका सुबह शिकवा नहीं है, हम मजबूत हैं। वीआईपी भी सुनने हमारा एक सीट मांग रही है। वीआईपी पार्टी निसंदेह एनडीए में है तो उनकी अपनी डिमांड होगी और उस पर बैठ के तमाम लोग विचार करेंगे। चलिए, दानिश रिजवान जी थे हमारे साथ। साफ तौर पे कहना है कि 2 सीटें इन्होंने मांगी हैं एमएलसी चुनाव में जो 24 सीटों पर होने वाले हैं बिहार में और उम्मीद है कि एनडीए इनकी बातों को सुनेगा और 2 सीटें इनको दी जाएंगी। निषेध ठाकुर, डीटीवी भारत, पटना। और बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव से पहले राजद और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने है। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस को संभल कर बयान देना चाहिए। सीटों को लेकर बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से अब भी चल रही है, फिलहाल इस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं है। वहीं पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक पर आरजेडी नेता ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा